नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर योगेंद्र कुमार पर। बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मेरे Facebook अकाउंट पर, मेरे Twitter अकाउंट पर, और आप मुझे कमेंट भी कर रहे हैं YouTube पर। तो सोचा कि एक बार रूबरू हो जाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी व्लॉग्स इसलिए नहीं आ पा रहे मेरे क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ स्टडीज़ के अंदर। तो फिर लोगों ने बोला कि भैया जैसे भी आप स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं उन सभी बुक का थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिए। तो अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो सबसे ज़्यादा यही पूछा गया कि जनरल नॉलेज की कौन सी बुक सबसे अच्छी है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और जो सबसे ज़्यादा मतलब सिंपल लैंग्वेज में और जिसे कह सकते हैं कि पूरी एक संपूर्ण किताब कह सकते हैं, वो मुझे लगी किरण की वन लाइन अप्रोच। तो ये जो बुक है ये बहुत मतलब जिसे कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा निचोड़ है हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, और एसएससी यूपीएससी और पीसीएस के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है कि अगर एक बारी ये पूरी बुक पढ़ ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ कि इसके जो पार्ट्स हैं वो कवर अप करते हैं इंडियन हिस्ट्री को, जिसके अंदर एंशियंट, मॉडर्न और आपका मेडिवियल, ये तीनों मतलब कवर अप हो जाते हैं। बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और एक अच्छी टाइमलाइन के तरीके से समझाया हुआ है इसके अंदर। और बाकी दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुगल एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी रहा है, बहुत अच्छे से मतलब पूरा ये कवर अप करता है इंडियन हिस्ट्री के पार्ट्स को। और जो सेकंड पार्ट इसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा जाता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी बुक से सॉल्व हो जाएंगे। तो बाद में हम अगर आगे पढ़ेंगे इस किताब में तो हमें मिलता है आर्ट एंड कल्चर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमारे डांसेस, ड्रामा, म्यूज़िक और आर्ट एंड आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स के बारे में बताया गया है बहुत अच्छे से। बहुत जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी किताब है अगर कोई स्टडी स्टार्ट कर रहा है अभी यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए या एसएससी के लिए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो, बहुत अच्छा एक मटेरियल दे रखा है इसके अंदर। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं बहुत डीप स्टडीज़ के साथ साथ आप चाहते हैं कि मतलब एक ब्रीफ अप भी मिल जाए तो ये बुक बहुत ही अच्छी है और रीजनेबल रेट पर 175 की आई थिंक की पड़ जाती है। तो सॉरी 185 की पड़ जाती है ये, तो जो भी आपका 175 185 इसलिए अवेलेबल होगा। तो आगे इसके अंदर जो दे रखा है वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दे रखा है, जिसके अंदर आपके सारे एक्ट्स हों, चाहे आपकी रेगुलेटिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट्स हों, सारे इसमें कवर अप कर रखे हैं। और पीसीएस के और यूपीएससी के तो मतलब बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए। मैं बार बार जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है यूपीएससी का, क्योंकि अभी रिसेंटली असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम निकाला है यूपीएससी ने। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यही किताब परचेज़ कीजिए और बहुत ही अच्छा मटेरियल दे रखा है इसके अंदर। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ज्योग्राफी, जिसके अंदर रीजनल ज्योग्राफी हो, चाहे मिसलेनियस वर्ल्ड की हो, चाहे ज्योग्राफी इंडियन हो, वो सारा इसमें कवर अप किया हुआ है। एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है, इंडिया के स्टेट्स के बारे में, हर एक स्टेट के बारे में अलग अलग बताया हुआ है इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो है इंडियन इकनॉमी। तो इंडियन इकनॉमी के इसके अंदर सारे ही टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एसएससी पूछता है वो सारे ही क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इसी किताब से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने अभी आईबी का एग्ज़ाम दिया, मैंने अभी जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम्स दिए उसमें ये बहुत ही यूज़फुल रही किताब मेरे लिए। जनरल साइंस के जो इसमें टॉपिक्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को बहुत ही अच्छे से कवर अप कर देता है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर और एनिमल के बारे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। लगभग सारे ही जो जितने भी टॉपिक हॉट टॉपिक्स होते हैं वो सब इसमें कवर अप करे हुए हैं एज अ जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो स्पेस के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में, डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में या डिफेंस के बारे में बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छी। तो यहाँ कुछ और टॉपिक्स भी हैं, इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के लिए। तो इसके अंदर एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, इकोलॉजिकल जो भी एनवायरमेंटल होता है, बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स इतना कवर अप होते हैं। साथ साथ कंप्यूटर की कुछ नॉलेज दी गई है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन की, उन सभी के बारे में इसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और कुछ पार्ट इसके अंदर जो जीके की अपडेट होती हैं
जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नोबल प्राइज़ विनर्स और हाईएस्ट ऑनर्स ऑफ सम कंट्रीज और ऑफिस हेड ऑफ स्टेट्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया मेल फीमेल, फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल, इंडिया बिगेस्ट लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, ये सब। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी इसके अंदर कवरअप किया गया है। और अपेंडिक्स वन के अंदर, इसमें एक लास्ट में अपेंडिक्स वन दिया हुआ है जिसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जो 29 स्टेट्स के हैं वो सारे दिए गए हैं। तो ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी बुकों में से एक है जिसके अंदर आप अपना सारा का सारा एक जैसे कह सकते हैं ब्रीफ अप और एक समरी के तौर पर आप सारा याद कर सकते हैं इस बुक के थ्रू। और मैं तो ये कहूँगा कि यूपीएससी और जितने भी पीसीएस वगैरह हैं उन सभी के जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और फॉलोअर्स हैं, उन सभी को मैं सजेस्ट करूँगा कि इसे परचेज कीजिए। और ये 10% या 20% आप 15% तक आपका जो कोर्स है वो कवरअप करता है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप परचेज कीजिए। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ या मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ये बस मैं अपने जो भी मेरे मीठे प्यारे हैं उन सभी के लिए एक नॉलेजेबल वीलॉग था कि इस बुक का रिव्यू देने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप भैया कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो, थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या कैसे चल रहा है आपकी स्टडीज़ के अंदर। तो ये वीलॉग क्रिएट करने का मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था कि एक बुक का रिव्यू आप लोगों को दे सकूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोगों के काम आ सकती है बुक। तो प्लीज़ आप खुद समझदार हैं और परचेज़ कीजिए इस बुक को, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और स्टडीज़ में बहुत हेल्प करेगी ये बुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और कमेंट में कोई और जो आप भी चाहते हो वो सब आप लिखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल और जय हिंद जय भारत। और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, अच्छा लगता है। थैंक यू।